नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज और नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बनारस में यूपीएस प्रयागपुर के पास श्री प्रकाश इंटरमीडिएट कॉलेज में उपस्थित 300 लड़कियों को निशुल्क पैड वितरित किया गया, साथ ही कुछ अन्य सामानों का वितरण भी किया गया। पैड बैंक की अध्यक्ष संध्या तिवारी ने लड़कियों को कपड़े के उपयोग से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी भी दी। कार्यक्रम में सेक्रेटरी प्रतिभा सिंह, कोषाध्यक्ष अनीता जायसवाल, उपाध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव चारू जैन, संयुक्त कोषाध्यक्ष हेमा नरवानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। छात्राओं में निशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करती सखी पैड बैंक की फाउंडर श्रीमती सुनीता भार्गव जी। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करती सखी पैड बैंक की फाउंडर श्रीमती सुनीता भार्गव जी। सुनीता जी, ये सखी पैड बैंक क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? सखी पैड बैंक एक पैड की संस्था है जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट जरूरतमंदों को पैड बांटते हैं। ये आज किस तरह का आयोजन किया गया रहा? आज का आयोजन हमने प्रयागपुर में किया, जहाँ एक प्राथमिक विद्यालय में हमने 6, 7, 8 की लगभग 150 से 200 लड़कियों को फ्री पैड डिस्ट्रीब्यूट किया और साथ में अवेयर किया कि आप कपड़ों का यूज़ ना करके आप पैड का यूज़ करें। यदि आप कपड़ों का यूज़ करते हैं तो आप बहुत तरीकों की बीमारी से घिर जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसी भी संभावना सुनी गई है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। गुड़गांव में थाना सेक्टर 51 में विभिन्न सामाजिक एवं हिंदू संगठनों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गुरुग्राम पुलिस प्रशासन द्वारा दीपक चौरसिया आदि मीडिया कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजीव चौक से पैदल मार्च कर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू एकता मंच गुरुग्राम जिला उपाध्यक्ष हरिकेश सिंह, यूथ सनातन सेवा संघ के महासचिव बम ठाकुर, अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच के अध्यक्ष रूपाली दुबे, परशुराम जी आदि ने धरना प्रदर्शन किया। हम 4 साल से यहाँ पर लगे हुए है, हमारे जो घर का वीडियो हमने विकृत रूप से दिखाया हुआ है उसके न्याय के लिए रुके हुए बॉक्सों को लगा हुआ है, फिर भी ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बार बार हम चक्कर काट रहे हैं और बार बार हमें बताया जा रहा है कि हम आपको बताएंगे, पुलिस अपना काम करे, लेकिन पुलिस कोई कुछ भी काम नहीं करे। आज भी उन्होंने अभी हमें 23 तारीख का डेट दिया हुआ है, अभी हमें यही लग रहा है कि 23 तारीख को हम कॉल करेंगे तभी वो बताएंगे कि 23 तारीख को भी वो हाजिर नहीं होगा कोई ना कोई अफसर, या उस टाइम में फिर आगे डेट बढ़ा देंगे। हमें इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमें कुछ न्याय मिले यहाँ पर पुलिस के द्वारा। 4 साल हो गए और करवा चौथ वाले दिन भी हम सुबह से लेके यहाँ शाम तक यहाँ कितने धरने हो गए, कोई असर नहीं है? कई बार बोलते कि सीढ़ी टूट गई है, वहाँ पे जांच के लिए गई है, कितनी बार आया हमारे यहाँ, हमें यही पूछना चाहते कि सीढ़ी जांच में टाइम लगेगा तो बच्चे के ऊपर देंगे, एक बार बच्चे को बोल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दूसरा 2018-19 का बजट पास किया है। प्रदेश सरकार ने 4,28,384 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार के बजट में जो मुसहर जाति के विकास और उत्थान के लिए सीएम आवास योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का बजट दिया है। प्रदेश के मऊ जिले के मुसहर बस्ती में सरकार की इस योजना पर बस्ती के लोगों ने खुशियां जाहिर करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया है। और ये लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अभी तक ये लोग क्या है कि अपना कुछ काम लेके अपना जीवन यापन करते हैं और एक अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छा घर नहीं है, जिससे इनका स्वास्थ्य स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग कैंप के माध्यम से भी अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन आज जो ये बजट आया है मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इनका सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। सरकार ने जो बजट पास किया है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो बजट है इससे जो गरीब हैं मुसहर जाति के लोगों की विशेष तौर से, उनका मतलब नीचे स्तर से लेकर के एक सामान्य स्तर जीवन जीने के लिए पर्याप्त बजट है और इस बजट से इन लोगों का मतलब एक नया सुधार मिलेगा, नए प्रक्रिया में या नए समाज में जीने का इनका अधिकार मिलेगा। तो ये ऐसे देख करके और गरीब परिवार जो है कि सुधार की प्रगति पे आएंगे। शामली में SP डॉक्टर अजय पाल शर्मा का खौफ बदमाशों में फैलता जा रहा है। पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर के खौफ बदमाशों में साफ दिखाई देने लगा है। ऐसा ही एक मामला झिंझाना थाने में देखने को मिला, जहां एक हत्यारा खुद ही थाने पहुंचकर पुलिस से गोली न मारने की गुहार लगाता नजर आया। हत्यारोपी मुशाद से मीडिया ने पूछताछ भी की, साथ ही साथ SP डॉक्टर अजय पाल शर्मा द्वारा भी जानकारी प्राप्त की गयी। थाना क्षेत्र झिंझाना में भी कुछ दिन पूर्व गाँव पाजपुरा में एक जाला नाम के व्यक्ति की गोली मार करके हत्या की गयी थी, जिसमें परिवारजनों ने गांव के कुछ लोगों को नामजद किया था। उनमें से 4 लोग जो पहले जेल में जा चुके हैं और इसमें एक मुंशाद नाम का आरोपी जो कि फौजपुरा का रहने वाला जो फरार चल रहा था, उसका फिलहाल कल उसने अपने आप को थाने पर आकर के सरेंडर किया कि उसमें वाचे चल रहा था और आगे की लीगल कार्रवाई इसमें की जा रही है।
एसपी साहब से क्यों डर गए थे? एक गोली ना मार दे तो आज कितनी हिम्मत कैसे हुई? आज डर नहीं लगा? बस जी आज पेश होने आ गया। कप्तान साहब से क्या निवेदन है तुम्हारा? कि मुझे गोली ना मारी जाए। आगे अपराध करोगे? नहीं जी। पिताजी का क्या नाम है तुम्हारा? यामिन जी। गाँव? हाजपुरा। मऊ जिले की पुलिस विभाग की साइबर टीम ने राजस्व अधिकारी की मोबाइल सहित 10 महंगी मोबाइलों को बरामद किया है। साथ ही जिसकी भी मोबाइल गायब हुई है उनके हवाले सुपुर्द किया है। साइबर टीम का उत्साह वर्धन करने हेतु एसपी ललित कुमार सिंह ने 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। पुलिस के इस खुलासे पर सवाल उठ रहा है कि अगर मोबाइल को बरामद कर लिया है तो वे बदमाश कहाँ हैं जिन्होंने खुलेआम मोबाइल छिनैती की वारदात को अंजाम दिया। इस पर पुलिस ने जांच कर बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात पत्रकारों से कहा है। मुख्य राजस्व अधिकारी जनपद मऊ के हैं, उनका मोबाइल बस में कोई ले लिया और गायब हो गया जी। और मतलब यहाँ शिकायत की गई, उसके बाद मिल गई, मिल गया। अगर 10 लोगों को मिल गया जो लोग बहुत अच्छे अपने को खुशी महसूस कर रहे हैं, किसी और साहब का ही मिला तो सबका मिला, बाकी सबका मेरा। पुलिस मेहनत से काम कर रही है, मेहनत की है तो मिला है। हम ऑटो से आ रहे थे, बैग मतलब दो बाइक से दो लोग थे और छीन के शीतला मंदिर के साइड मतलब भाग गए। उसमें मैं पैसे थे, दो मोबाइल थी और उसमें पैन कार्ड आधार कार्ड 21,000। और पैसा भी नहीं मिला है। सर बोल रहे लोग की कार्यवाही मतलब की जा रही है, कोशिश की करेंगे कि आपका सामान मिले। आज इन्होंने 10 मोबाइल बरामद किए हैं और इसमें सारे मोबाइल बहुत महंगे महंगे दिख रहे हैं। और इसमें जो मोबाइल जिनके बरामद हुई है उसमें सीआरओ साहब जो जनपद के हैं उनका मोबाइल है, और इसके अलावा एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं रंजना, इनका मोबाइल बरामद है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, इस तरह बहुत वैरायटी टाइप के लोग, एक मौलाना साहब हैं उनका मोबाइल बरामद है। अब यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। बलिया में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर में सिकंदरपुर उप जिलाधिकारी राजेश कुमार यादव व तहसीलदार आलोक कुमार ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना व उसका निवारण भी बताया। कार्यक्रम में अर्जुन जीपुर प्रधान, अशोक प्रधान, रमेश कन्हैया, नगीना गुप्ता, मुन्ना खान आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ थाना क्षेत्र अकराबाद के ग्राम सीहोर कोल्ड स्टोर के पीछे मिले आधा दर्जन गो अवशेष। थाना अध्यक्ष विनोद कुमार अपने पुलिस बल को लेकर जांच में जुटे। मौके पर सीओ बरला अनुज कुमार ने सभी अवशेषों को इकट्ठा कर कुछ टुकड़े सैंपल के लिए भेजे। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। किरण में शादी समारोह में शामिल होने गए ITBS के जवान को तीव्र गति से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने चालक परिचालक को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जवान को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अभी हमारा पूरा सहयोग रहेगा इसका, और हरदम हम इसको जो भी सहायता की जरूरत पड़ेगी हम पूरी पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम जितना उसके काम को अपने दिल जान से हर टाइम तैयार रहेंगे। अलीगढ़ के खैर में छुट्टी बिताने परिवार के साथ आया था नेवी का जवान सोहन लाल। एक दिन उसका बेटा कनिष्क घर से खेलने निकल गया। उसके वापस न लौटने पर अपने बेटे कनिष्क के अपहरण होने की आशंका के चलते थाना खैर में जवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाल दिनेश दुबे ने डॉग स्क्वाड का सहारा लेकर इधर उधर तलाश किया, लेकिन बच्चे का सुराग नहीं लगा। कुछ दिन बाद कनिष्क का शव तालाब के किनारे मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। जवान ने किसी से रंजिश नहीं होने की बात कही है। अब देखना होगा काबिल इंस्पेक्टर दिनेश कुमार दुबे बच्चे की हत्या का पर्दाफाश कितनी जल्दी कर पाते हैं।
या कागजी इन्वेस्टिगेशन में ही उलझ कर रह जाते हैं। पुलिस की अच्छी तरह से छानबीन करे, छानबीन करे, और मतलब जिन लोगों के जिन लोगों ने ऐसा किया है, बस ये तो सीधे आदमी, उन्होंने गलत किया है, जो भी किया है बच्चे के साथ जो ऐसा हुआ वो गलत हुआ है, उसकी छानबीन की जाए। जो जिसने किया वो सामने तो आए, निकल कम से कम। जिला बुलंदशहर थाना जहांगीरपुर के ग्राम कपना में सिंचाई विभाग की वर्षों से चली आ रही लापरवाही की वजह से जहाजर की तरफ से आ रही स्विफ्ट डिजायर पुल जर्जर होने के कारण नहर में गिर गई। वाहन में संदीप, जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, मथुरा का रहने वाला था। गांव के किसानों के रोड जाम करने पर सीओ यजुवेंद्र मिश्रा व थाना प्रभारी प्रताप सिंह के द्वारा लाठी चार्ज कर जाम को खुलवाया गया। खैर, आज 5 दिन बाद सिंचाई विभाग के ही सहयोग से शव मिल गया। कोई सुनवाई नहीं है, कोई हमारी बॉडी के बारे में, कोई बेहाई किसान यूनियन के, उन पर लाठी चार्ज करवाई सीओ साहब। सीओ साहब ने लाठी चार्ज कराया जी, जनता को इतना पीड़ित किया है, सारे लोग। तो यहाँ सीओ साहब ने, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया? हाँ, लाठी चार्ज किया सर। तो यहाँ कितने लोग थे जब गांव के जो लाठी चार्ज किया? गांव के लोग सब थे। हैं? कितने लोग थे जब जो है? तो किस बात को लेके लाठी चार्ज किया? जाम हटाओ। लेकिन कार्रवाई भी कोई हो नहीं रही, और धरने को भी हटाओ जो है, उसके बावजूद भी कोई अभी नहीं सुनवाई नहीं हुई। अभी सीओ साहब से मेरी बात हुई, जब वो कह रहे थे कि यहाँ गोताखोर बुलाएं, क्या ऐसा कुछ है यहाँ? यहाँ पुलिस प्रशासन का रवैया जो है बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। यहाँ सभी ग्रामीणों ने एकत्र होकर यहाँ बताया है कि अभी जो किसानों की यहाँ धरना चल रहा था, धरने पे लाठी चार्ज भी किया गया है, जिसमें किसान यूनियन का एक अध्यक्ष जो पुलिस की हिरासत में है, जो यहाँ किसानों को धरने पर लेके बैठा था। आज खबरों में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।